आज थोड़ा टेंशन वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास हो गया है, तो कभी भी याद रखिएगा कि कहीं दोस्तों में महफिल में कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो, नहीं ये सीरियस बात है, सीरियस नहीं है, तो किसी सरदार के ऊपर जोक मत कीजिएगा कि सरदार हमारे लिए हमेशा आदरणीय है, सम्माननीय है, तो अगर आप ऐसा जोक करेंगे तो फिर आपके साथ बहुत सीरियस बातें हो सकती है। और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत बुरा भी है, तो अच्छा वाला बोलूंगा, बुरा वाला जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद बोलूंगा। तो ऐसे वहाँ पे ऐसे गांव में शूट कर रहे थे कि जहाँ पे आप वैनिटी वैन भी नहीं ले जा सकते हो, और एसी वहाँ पे होता नहीं गांव में, एकदम ठेठ गांव जिसको बोलते हैं, हरियाणा के नांदौल शहर में शूट कर रहे थे हम लोग। तो सडनली वहाँ पे शूट बोलते हैं, लेकिन सच बात है कि हम लोग ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की, और मैं डाइट पे था, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि चिकन बिरयानी मेरी सबसे फेवरेट है, और मुझे एक साल तक रोटी छोड़ के रखनी पड़ी, राइस छोड़ के रखना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म के लिए खाली, और बहुत मेहनत की इस फिल्म के लिए, और अच्छा लगा। ज़मीन में हम लोग ने बैठ के काम किया है, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी टेक्निकल क्रू सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, किसी का कोई वहाँ पे ड्रामा नहीं था, टैंट्रम नहीं थे, सब ने अपनी फिल्म समझ के फिल्म की है। तो एक बार अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा सारे कास्ट एंड क्रू को, थैंक यू सो मच। तो इसलिए वो डांटते थे क्योंकि वो आर्मी में रह चुके हैं, तो बड़ा डर लगता था कि सुबह सुबह 6 बजे उठा देते थे, और हमारे जो वरुण जी हैं वो भी डांटते थे कि भाई काम पे फोकस करो, रात में सो और सुबह अच्छे से काम करो। तो काम में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आई, उन्होंने काम करते वक्त कभी भी नहीं डांटा, लेकिन सिर्फ ये बोलते थे कि सो और सबको सोने दो। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। ओके, मैं फिल्म लाइन में तो बिल्कुल नया हूँ, मेरे को इतना तजर्बा नहीं था, लेकिन बट फिर भी मेरी जो टीम है उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, और इतना सपोर्ट करते हुए आज मेरे को यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाने में उनका बहुत सहयोग। वैसे मैं आर्मी में एनएसजी कमांडो हूँ, लेकिन फिल्म का बहुत पहले से मेरा ठीक है नज़दीक, अभी भी हमारे जो जाटों के अंदर है मतलब दुश्मनी जो चलती रहती है और वो खत्म नहीं होती, तो सभी को मैं अपने इस संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे पहले परिवार में 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, एक भाई लड़ाई झगड़े में हो गया, एक पहलवानी करने लग गया या वो, तो अभी एक ही बच्चा होता है और एक ही बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा के अपने था, ये बहुत खूबसूरत फिल्म बनेगी और ये साबित हो गया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे याद आ रही है, इश्क सरफिरा, सरफिरा जो ये है, ये जैसे अभी कहा कि दीवानगी एक पागलपन होता है, तो ये टाइटल का जो रिफ्लेक्शन है मुझे पूरी टीम में नजर आया, हर एक की पागलपन है, हर एक की दीवानगी है जिसने यहाँ तक इस मकाम तक फिल्म को पहुँचाया, और हमारी दुआ है कि फिल्म कामयाब हो, सफल हो। यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हिस्ट्री, तारीख जो होती है, इतिहास इंटेलिजेंट लोग पढ़ते हैं लेकिन पागल लोग लिखते हैं तारीख, तो ये हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह। तो थोड़ा डेट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था शायद, तो 27th of November हम लोग फिल्म रिलीज करेंगे, और साथ कह रहा कि पागल लोग डेट लिखते हैं, तो डेट का लिखने का काम मेरा था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने लिख दी डेट सर। तो 27 को मतलब आप सभी लोगों से अपने लेवल पे आप लोग जैसे भी फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं, बहुत एक छोटे एफर्ट के साथ में फिल्म बनाई है, बट मतलब एफर्ट छोटा बड़ा मैं क्या बोलूँ, मतलब फिल्म तो फिल्म होती है, पर एक अच्छा सिनेमा है, आप सब लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगेगा, और 27 को बाकी और भी फिल्में हैं, तो शायद ये बिल्कुल अलग जोन की फिल्म लगेगी आप लोगों को, और साहब आप लोग अपनी तरफ से जितना भी इस एफर्ट को, इस अटेम्प्ट को जितना आगे ले जा सकते हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, धन्यवाद। गंदा वाला इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, क्लाइमेक्स शूट होने वाला था और कल सुबह क्लाइमेक्स शूट था,
सारे जितने भी हमारे को स्टार्स हैं, मुकेश जी और दीप भाई और एहसान भाई सब, उनकी डेट्स बहुत मुश्किल से मिली थी और मैं रेडी हो रहा था कि कल बस सोना है और सुबह उठना है 5 बजे और मुलुंड में भांडो पे पहुंचना है। और हुआ ये कि उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे माथे पे 7 स्टिचेस आए गंदे वाले और ड्रेसिंग सारा हॉस्पिटल अमानी हॉस्पिटल में सारा कास्ट एंड क्रू पूरा पहुंच गया, भाई शूटिंग नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अब डेट बहुत मुश्किल से मिल रही थी इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत हिम्मत बांधी और उसके बाद पट्टी बांधी सर पे और हमारे वरुण जी ने कुछ थोड़ा सा आइडिया निकाला, चलो हीरो को पट्टी बांध देते कुछ कर देंगे, रियल ब्लड निकाल देंगे। तो उतनी मुसीबत में अगले दिन हमने शूट किया, प्रॉपर शूट किया, पूरा फाइट सीक्वेंस शूट किया। दर्द हो रहा था, सब हो रहा था, तो इसीलिए इस फिल्म का नाम इश्क सफेरा है। इतने पेन और इतने दर्द में अगले दिन शूटिंग हुई, पूरे सब लोगों ने सपोर्ट किया। उसी फिल्म से जुड़ा हुआ आज भी इंसिडेंट है, मेरी फैमिली मेंबर का ऑपरेशन चल रहा है अंबानी में, मैं उसको छोड़ के यहाँ आया हूँ, तो मैं जल्दी निकलूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ऑलरेडी ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो दुआ करिए उनके लिए प्लीज़ सारे लोग। एंड थैंक यू सो मच अगेन पूरी टीम के लिए, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। बहुत ही अच्छा हो और बहुत खुश हूँ कि आज इतने अच्छे माहौल में आप सब की इस खुशी में मुझे शामिल होने का मौका मिल रहा है, सौभाग्यशाली हूँ। आज हालांकि आज का दिन सौभाग्यवती का है लेकिन मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हमारे अक्की भाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सर भाई, और हमने साथ में काम करने का मुझे मौका मिला इनके साथ में और आगे भी हम काम करेंगे। इस फिल्म के बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि हमारे दोस्तों ने बनाई है मिलके, हमारे भाई साहब जमी भाई और दीनू हमारे जो खास हैं, सब लोगों ने मिलके बनाई है और जब मिलके कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें एकता होती है और एकता हिट होती है। क्या बात है, जोरदार तालियां। और अगर विमल कुमार जी के अंदाज में कहा जाए तो इस फिल्म वालों की का जो है दिल दरिया है, दरिया दिल है, और जो इस फिल्म को नहीं देखेगा तो जैसी करनी वैसी भर। फिल्म देखने के बाद पता चलेगा आपको कि आप दूसरी फिल्म जब देखते हैं तो कितनी तकलीफ होती है और ये अच्छी फिल्म आपने मिस कर दी है तो फिर आप ये कहोगे कि फिल्म देखने के बाद कि स्वर्ग यहाँ नर्क है। तो आप जरूर उस फिल्म को देखिएगा और बाकी इनके लिए क्या कहूँ, एक ही शेयर करना चाहूंगा कि तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात।